नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का तीसरा टॉपिक रक्त संबंध जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हर कंपटीशन में 2 से 3 प्रश्न ब्लड संबंध के पूछता है और बच्चों को रीजनिंग में सबसे ज्यादा समस्याएं ब्लड रिलेशन का होता है। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन को इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि दुनिया का कोई भी ब्लड रिलेशन से कोई भी जो क्वेश्चन हो आपको इसमें कोई समस्या ना हो, मतलब उसको उठा करके पटक देना है और इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि फिर हम लोग ब्लड रिलेशन में कोई समस्या आपको न रह जाए। और यह आपका यूपीपी पुलिस रेलवे एसएससी लेखपाल यहां तक कि आईएएस पीसीएस में भी यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछता है। और ब्लड रिलेशन बच्चों का सृजनी का सबसे कठिन कंसेप्ट में से एक होता है। तो आइए इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं और रक्त संबंध को इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि कंपटीशन में अब हमें रक्त संबंध कभी परेशान ना करो। संदीप सर आप उसको इतनी गहराई से पढ़ाएंगे कि जिंदगी में फिर आप ब्लड रिलेशन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। ब्लड रिलेशन में रिश्ते क्या होते हैं, अगर रिश्ते के बारे में नहीं पता होगा तो आप इसका सवाल या प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई भी डायग्राम ब्लड रिलेशन का खींचना होगा तो अगर वह पुरुष है, क्या है पुरुष है तो उसे प्लस चिन्ह से लेना है, अगर वह महिला है या स्त्री है या लड़की है तो उसे हमको माइनस चिन्ह से लेना होता है। तो आइए पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे ब्लड रिलेशन का, उसके बाद इसके प्रश्न किया जाएगा। तो देखिए कैसे पहले मान लीजिए आप हैं तो आप मान कोई लड़का है आप हैं, हम मान लीजिए हैं मैं हूं, तो यह क्या होगा भाई प्लस हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा जो इसमें और ध्यान दें, जो आपसे बड़े होंगे क्या होंगे, जैसे आपके पिताजी दादाजी जो भी आपके माताजी आपके मामा नाना नानी जो भी लोग होंगे जो आपसे बड़े होंगे उन्हें आपको ऊपर लेना, आपसे बड़ा है तो आपसे ऊपर जाएंगे और आपसे जो छोटे होंगे वह आपके नीचे आएंगे। और जो आपके बराबर होंगे जैसे भाई हो गए बहन हो गए या आपकी वाइफ हो गई वह आपके सीध में रहेगी। तो चलिए हम पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप हो गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपके पिताजी आपसे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर बड़े होंगे, तो जब बड़े होंगे तो इन्हें डायग्राम में क्या करना है ऊपर की ओर लेना है। अच्छा यह क्या होंगे आपके पापा होंगे, कोई बात नहीं जी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इसके बाद अब इनकी वाइफ क्या होंगी, वाइफ तो भाई इनकी मम्मी होंगी, आपकी मम्मी होंगी क्या होंगी, यह आपकी क्या होंगी माँ होंगी, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दीजिए माँ का भाई क्या होगा आपको बताइए, सर माँ का जो भाई होगा वह हमारा मामा होगा या क्या आपका होगा जी, ध्यान देना यह आपका मामा होगा, क्लियर है। अच्छा माँ की बहन क्या होगी आपकी, माँ की बहन क्या कहलाएंगे आपकी, ध्यान दीजिएगा माँ की बहन को हम लोग बोलते हैं मौसी, क्या बोलते हैं मौसी या मासी बोलते हैं, क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देखिएगा माँ के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा माँ के पिताजी को हम लोग बोलते हैं, पर मम्मी के पापा को हम लोग क्या कहोगे, हम लोग बोलते हैं ना सर मम्मी के पिताजी को प्लस लेना होता है क्योंकि पिता है पुरुष में है, इन्हें हम लोग बोलते हैं नाना, क्या बोलते हैं जी नाना, क्लियर है। अच्छा इनकी वाइफ क्या आपकी लगेंगी, ध्यान दीजिएगा इनकी सर वाइफ हमारी क्या होंगी, या इनकी वाइफ जो होंगी हमारी नानी हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो गया माँ से संबंध, माँ का कोई लड़का होगा तो मेरा भाई, मौसी कोई लड़का होगा तो मौसेरा भाई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पिताजी के बाप है, क्या है पिताजी का भी बाप तो हो सकते हैं ना, क्यों नहीं सकते हैं, आजकल तो लोग जल्दी मर जा रहे हैं लेकिन भले के लोग 2-3 पे जिंदा रह करते थे। तो भाई पिताजी, अब बताइए आपके पापा के पापा को आप क्या बोलेंगे, सर दादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दादा बोलते हैं, अच्छी बात है। अच्छा ठीक अच्छी बात है, अब पापा की वाइफ होंगी,
आपके पिताजी की भाई मम्मी भी तो होगी, तो मम्मी को आप लोग क्या बोलेंगे जी? सर दादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दादा दादी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा आपके दादा का कोई लड़का हो, दादा का क्या हो जी? कोई लड़का हो, तो इस लड़की को आप लोग क्या बोलोगे? कहोगे ना सर दादा का लड़का है, हमारे पापा का भाई होगा, तो इसे क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। चाचा कह सकते हैं, कई कई लोग बड़े पापा या छोटे पापा का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा अगर मान लो आपकी पापा कोई बहन हो या आपके दादा कोई लड़की हो, तो दादा की लड़की को क्या कहेंगे जी? पता है ना यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। तो दादा आपके पिताजी की बहन आपकी क्या कहलाएगी? फुआ, या आजकल लोग स्टाइल में इसको बुआ भी बोल रहे हैं भाई, फुआ या बुआ बोलेंगे। आपके जो पापा की जो बहन होंगी वह क्या कहलाएंगी? फुआ या आपकी बुआ कहलाएंगी। यह हो गया आपका ऊपर का जो संबंध है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। चाचा का वाइफ जो होंगे चाची हो जाएंगी, और फुआ के जो पति होंगे उन्हें क्या फूफा या फूफा बोलते हैं उनको जी। ठीक ठीक। अब देखिए यह तो हो गया आपके पिताजी से संबंध, अब आपसे संबंध होगा। देखिए आपकी बहन क्या कहलाएगी जी? आपकी बहन तो आपकी बहन ही कहलाएगी। क्लियर है? सही है। उस बहन के जो पति होंगे उनके पति को आप क्या बोलेंगे? जीजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीजा ही तो कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा जीजा का लड़का बहन के लड़का क्या कहलाएगा आपका जी? आपके बहन का लड़का क्या कहलाएगा? सर जैसी बात है, बहन का लड़का मेरा क्या कहलाएगा? या तो भांजा कहलाएगा, भांजा, या भांजी भतीजा, भांजा सॉरी भांजा या भांजी होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यह हो गया। अगर मान लीजिए आपका भाई है, तो आपका भाई आपका क्या कहलाएगा? वह तो आपका भाई ही तो कहलाएगा। अच्छा भाई का अगर कोई लड़का हो, भाई का लड़का हो, मान लो इमेज को भाई, अच्छा इनकी भाई का अगर वाइफ क्या कहेंगे जी? आप मुझे क्या कहलाएंगे? या तो आप भाभी बोलेंगे या देवर को क्या बोलेंगे? आप इन्हें भाभी कहेंगे और यह आपको देवर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक। अगर इनका कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, क्या हो जी? कोई लड़का हो या कोई लड़की हो तो क्या कहेंगे जी? क्या बोलेंगे? लड़का हो चाहे भतीजा चाहे भतीजी। देखो भतीजा बोलते हैं भाई के लड़की को, भाई के लड़की क्या बोलते हैं? भतीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? भतीजी बोलते हैं। क्लियर हो गए। अब आप नीचे की ओर आइए। जब नीचे आएंगे भाई तो आपसे छोटा होगा नीचे, ना तो आपका लड़का होगा। क्या होगा आपका? वह लड़का होगा। अच्छा लड़का क्या बोलेगा आपको? पापा बोलेगा। अब मान लो कोई इसकी बहन कोई है, तो लड़की क्या बोलेगी आपको जी? पापा ही तो बोलेगी। यह हो गया। हाँ अगर आपके लड़के का लड़का हो तो आपको क्या बोलेगा? दादा बोलेगा। फिर यही सिस्टम का फिर चलेगा। तो रक्त संबंध में इतना ध्यान देना है कि कैसे किसी को जनरेट करते, वैसे जब प्रश्न आएगा तो आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे टॉपिक को हल करते हैं। चलिए समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम ब्लड संबंध का पहला प्रश्न लेते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिए। डायग्राम खींचना अगर सीख लिए तो दुनिया का कोई भी रक्त संबंध का प्रश्न आपको परेशान नहीं कर पाएगा और आप फटाफट कंपटीशन में दो या तीन प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। आइए छोटा सा पहले प्रश्न लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए कमला का परिचय देते हुए प्रश्न है क्या? कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब
महेश का कमला से क्या संबंध है? अब महेश का कमला से क्या संबंध है? देखिए आपका प्रश्न यह है और हम हल करने के प्रयास करेंगे। पहले तो हम यह देखेंगे कि रक्त संबंध के सवाल को कैसे डायग्राम खींचते हैं, क्योंकि डायग्राम खींचना सीख जाएंगे तो कोई भी सवाल होगा आप कर लेंगे। देखिए आपसे कहा गया, क्या ध्यान दीजिए, कहा गया प्रश्न में कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। अच्छा महेश कोई आदमी है, कमला के बारे में पता नहीं जी, कमला लड़का है कि लड़की या नहीं पता, लेकिन हाँ कोई है तो भाई किन्नर तो होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा जी। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश कुछ बोले, महेश तो नाम लड़के का पता है, महेश कोई हो गया, क्लियर है भाई, इसका पता है लड़का है इसलिए हमने महेश को प्लस कर लिया, क्लियर है कि नहीं, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कमला को देखकर महेश कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, महेश ने कहा उसके पिता, उसके पिता किसके पिता, एक कमला के पिता या कमला हो गए मालूम, देखो उसके पिता, उसके पिता मतलब क्या, कमला के पिता कमला से छोटे होंगे कि कमला से बड़े, और सर पिता हैं तो जैसे बाद बड़े होंगे तो कमले से मान लो बड़ा हो, कमला से बड़ा होगे, पिता है तो प्लस होंगे, क्लियर हो गया आपका। अब देखो आगे ध्यान देखिएगा, उसके पिता, उसके पिता बस तेहरू चौरी छोड़ दिया गया। ठीक, अब मेरी बात होगी मेरे पिता की, किसके पिता, मेरे पिता, अच्छा मेरे पिता की इकलौते पुत्र हैं, ओ मेरे पिता मतलब महेश के पापा इनसे बड़ा हूं कि नाम में ध्यान देना, क्लियर है, मेरे पिता की, जो सुनिए जो कमला का जो पिता है वह क्या कहा गया, महेश मेरे पिता, महेश के पिता के इकलौते पुत्र। अच्छा इकलौता का मतलब जानते हो ना, एक ही वारिस हो, क्या हो, किसी दंपति के या किसी माँ बाप को केवल एक लड़का होता है या एक लड़की होती है उसे इकलौता, इकलौता अकेले। ठीक, चलिए कमला का प्रत्यय, महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब मेरे पिता के इकलौते, अब यह जो है इनके इकलौते, इनके एक ही लड़का है, इनका क्या हुआ एक ही लड़का है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं कौन, कमला का पिताजी, तो कमला का पिताजी आप यहाँ आ जाएंगे, कमला कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, क्यों पकड़े ध्यान दीजिएगा, वर्ड आपका यहाँ छूटा है ना, इसी वर्ड को ले आके एकदम नीचे बैठा यहाँ पे। अब देखो क्या होगा जी, सुनिए क्या है, अब महेश का कमला से, कमला भाई महेश को क्या कहेंगी, अगर लड़की होंगी चाहे लड़का तो पापा कहेंगी चाहे पिताजी कहेंगी, क्लियर है कि नहीं, अरे भाई ये इनके पिता होंगे कि नहीं, लौते पिता, इनके पिता आपके हो जाएंगे, आंसर क्या आप आ जाएंगे जी, पिता में, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। चलिए कुछ प्रश्न और देखिएगा, अभी आप समझेंगे, देखिए अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का हमसे क्या कहा, देखिए वर्ड का तो मतलब निकालना पड़ेगा ना, एक आदमी जो है देखो क्या कह रहा है जी, एक आदमी ने, एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, क्या कहते देखिए, आपके भाई की बहन, आपके भाई की बहन, आपके भाई की, आपके भाई की इकलौती बहन, आपके भाई की देखिए इकलौती क्या, इकलौती बहन, एक लौती बहन, इकलौती बहन मेरी माँ है, मेरी
माँ है, तब औरत, तब औरत उस आदमी के लिए क्या होगी, उस आदमी के लिए, आदमी के लिए क्या होगी। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा भी गया दोस्तों में कंपटीशन में, क्या करेंगे पहले तो हिंदी को कैसे करो, क्या कहा गया, एक आदमी ने एक औरत से कहा, कोई पुरुष है किसी स्त्री को देख के कुछ कह रहा है, आजकल पुरुष लोग इसमें बहुत कुछ बोल देते हैं, पता फॉलो करेगा चीज छोटा ही, तो आदमी जो है क्या कर रहा है भाई, एक औरत से कहा, औरत स्त्री लेडीज हो गया, एक आदमी ने एक औरत से कहा, क्या कहता है ध्यान दीजिए, कहा है एक आदमी ने एक औरत से कहा, कोई आदमी जो है किसी औरत से कह रहा है, आपके भाई, आपका मतलब क्या, इस लड़की का भाई, आपका भाई, मैं किसी से कह रहा हूं, मैं किसी लड़की से कह रहा हूं क्या, आपका भाई तो लड़की का भाई होगा ना, ठीक, भाई तो लड़की के सिर में क्योंकि समान इसके होते हैं, आपके भाई की इकलौती बहन, ओहो आप इकलौती थी ना, गया इकलौती बड़ा परेशान करता जी, इकलौती का मतलब क्या, इकेटे, केटे हो एक थे, दूठे सपना ना ध्यान दीजिए, ठीक, आजकल लोग काता सोच रहे हैं, चलिए आपके भाई की इकलौती बहन, इनके भाई की इकलौती अकेली कोई बहन यही होगी, इकलौती बहन मेरी माँ, ओहो जो लड़कियां बा इनका माई बा, बहन मेरी माँ है, दूसरा कर दीजिए माँ, तो भाई माँ होगी तो माँ बड़ा होगा कि बेटा जी, भाई माँ है तो बड़ा होगा तो बेटा तो नीचे ही आएगा आपको, अब बेटा कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, मेरी माँ है, क्लियर है जी, सही है, सही है, अब तब औरत उस आदमी के लिए क्या हो, अच्छा औरत आप उल्टा देखते हैं, उल्टा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है जी, अब बताओ औरत तो इनको क्या कहेंगी, बेटा कहेंगे, अभी इन्हें माँ कहेंगे, है ना कहेंगे, देखो आदमी की औरत एक काकी जी, आदमी का कही हो भाई इनका मम्मी है ना, लेडीज है भाई, इनके नीचे हैं, इनकी क्या होगी माँ, उत्तर क्या आपका हो जाएगा जी, माँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर जी, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वे एक कर्ण को दबाइए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, अच्छा लगे तो, अन्यथा आइए अब चलते हैं कुछ और प्रश्न ले लेते हैं संबंध के, देखेंगे क्या आपके प्रश्न हो रहे हैं, देखिए देखिए पांचवा प्रश्न लिया गया है फिलहाल, एक पुरुष की तस्वीर की ओर, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए एक औरत बोली, एक औरत बोली, वह मेरी माँ की, वह मेरी माँ की, वह मेरी माँ के पिता का, वह मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, एक मात्र बेटा है, बेटा है, वह औरत, वह औरत उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, देखिएगा क्या संबंध रखती है,
बड़ा अच्छा प्रश्न है, अभी बहुत कंपटीशन में पूछा गया है। तो पहली बात क्या हमको करना है, रक्त संबंध का कोई भी सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, पहली बात तो उसका हिंदी पकड़ो, कहना क्या चाहता है, आखिर में चाहते क्या है, तभी कुछ कर पाएंगे। अब मान लीजिए मम्मी ने कहा भाई चीनी का डिब्बा ले पाओ और आप मसाला लेके जाओगे तो क्या होगा, आपका तो स्वागत बढ़िया हो, कहेंगे पगला गया क्या, बौरा गया है क्या। तो यही चीज अगर हिंदी बढ़िया नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न को अच्छा कर नहीं पाएंगे। ठीक, देखते हैं करना क्या। चलिए पहले पढ़ी ताल में देखिएगा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करती एक औरत बोली। ओहो फोटो दिखाया जा रहा जी, कौन देख रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर, मान लीजिए कोई पुरुष का फोटो फोटो दिखाया। ठीक, एक और बोली ओहो आजकल औरतें बड़ी बोलती हैं, जहां देखो कोई बात नहीं बोली। तो एक पुरुष की तस्वीर इशारा करती एक औरत बोली, ठीक है क्या बोलती लिखिएगा, एक और बोली वह मेरी माँ के, वह जो लड़कवा है ये ना वो का तो ये लड़का आपका है। ठीक, इसी बल करी है, ठीक क्या करी है, चलिए बोले वह मेरी माँ, ओहो इनकी माँ, मेरी माँ इनकी माँ इनसे बड़ी होगी नहीं होगी, वह मेरी की माँ तो इनसे बड़ी होगी, तो माँ सब सही है, वह माँ है तो मेरी से है, से नहीं है। वह मेरी माँ के पिता का, वह मेरी माँ के पिता, मान लीजिए माँ को थोड़ा नीचे लीजिए भाई जगह प्राप्त हो जाए ना, वह मेरी माँ होंगे, माँ की हाँ, वह मेरी माँ के पिता जानते हैं ऊपर जाएगा क्यों, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। ओहो बात तो सही है, वह मेरी माँ के पिता का पिता, माँ के पिता होंगे इनका एकमात्र बेटा है, कौन फोटो सही है कि नहीं सही, ध्यान दीजिएगा जी। ठीक, वह औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध, व्यक्ति व्यक्ति क्या कहेगा, ध्यान देना, यह व्यक्ति इस औरत को क्या कहे, सुनते ना, वह औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, तो से है ना, तो व्यक्ति जो होगा औरत को क्या, देखो जी यह इनके पिताजी हैं, आपके बहन, ये इनकी बहन होगी, आपके बहन की लड़की, आपके फिर देखो ये आपकी बहन है कि नहीं, हाँ सीधे बहन होगी, इनकी यह लड़की है, आपके बहन की लड़की आपके क्या लगेगी। तो सर बहन की लड़की है तो बहन का तो मान लीजिए बहन के लड़के को हम मामा लगते हैं, वो हाँ वो कहेगी मामा, हम क्या कहेंगे भांजी, क्या कहेंगे जी भांजा तो होगा ना, लड़की है तो भांजी, तो क्या लगेंगी भाई वो लड़का, हाँ उस वह औरत व्यक्ति से क्या लगेगी।